गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज सुबह सुबह, मतलब आज क्या रोज ही है, सुबह सुबह मेरा काम चालू हो गया है। बिस्तर से उठो और सीधा किचन में आना ही पड़ता है। पानी आया है, मैं पानी भर लेती हूँ। पहले घड़ा में धो करके खाना वाना बनाने के लिए स्टोर करके रखती हूँ मैं दोस्तों। वही माल थोड़ा सा अच्छे से घड़ा को माल धो लूँगी, उसके बाद भर के रख दूँगी। और मेरा सब्जी मैंने छौंक दी है, तो आलू भुजिया। सुबह रात को ही बेटी ने बोला था कि मुझे भुजिया और रोटी देना, पराठा पराठा। मैंने पूरी पूरी खा के तंग आ गई है। मतलब न्यू ईयर से कुछ ना कुछ चल ही रहा है, मटर की कचौड़ी, पराठा, ये। तो वो बोली कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए और मुझे रोटी ही बना के दो, उसको सिंपल खाना ही पसंद है। तो मैं ना जो है ना उसके लिए रोटी बनाऊँगी, चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। एक राउंड की चाय पी चुके हैं साहब हमारे, और जो है फिर उसके बाद मैं पानी भर लूँगी। उसके बाद नाश्ते का आटे वाटा सानूंगी दोस्तों। सबसे पहला काम होता है घड़े में पानी रखना, चाय चढ़ाना, सब मुँह धो धो चाहे नहीं धो, है ना। तो सबकी सुबह ऐसे ही होती है, हमारे यहाँ तो सुबह ऐसे ही होती है। सभी लोगों के यहाँ सुबह के काम तो सबके अलग अलग ही होते हैं। तो मौसम तो अपना बढ़िया है, हमारे यहाँ का मौसम अच्छा है, एकदम मस्त है। और सुना है अब बाहर ज़्यादा पानी वानी गिर रहा है और मौसम थोड़ा करवट ले रहा है, कहीं भूकंप, कहीं कुछ सुनने में आ रहा है। नया साल जैसे ही लगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता ये सब सुन करके ना। नए साल आदमी खुश होता है, सब चीज़ें करता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, प्रकृति का जो है तो है ना। प्रकृति हमें जैसा हम देंगे वो हमें वैसा ही लौटाएगा, कहावत भी है ना। तो लेकिन क्या ही कर सकते हैं, और भगवान की मर्जी है। बहुत कुछ हुआ है, अभी न्यू ईयर जैसे ही लगा वैसे ही। तो आज तो 3 तारीख हो गई, ये 3 है, 3 को जाएगा, हाँ 3 को या 4 को जाएगा ये वीडियो तो सिर्फ 3 को ही हो रहा है। तो हम पानी भर लेते हैं, और ये देखिए मेरा पानी, मैं भी एक घड़ा ही भरती हूँ, बाकी स्टोर मेरा फिल्टर में हो जाता है। और मैं अपना लोटा भी धो लेती हूँ, फेवरेट लोटा है मेरा, इससे पानी भर लेती हूँ फ्रेश पानी। तो जब एक बार भर के रख लो तो बॉटल की गरज नहीं होती, अपना बार बार पीते रहो जब मर्जी हो। और मुझे थोड़ा सा अंदाज भी हो जाता है कि मैंने कितना पानी पी लिया है। तो बस वही यही सब चलता है मेरा, सुबह का पानी वानी, चाय पानी, नाश्ता। वो भर रहा है, सोच रही हूँ रख दूँ कि नहीं रखूँ, फिर लगा भर गया है, चलो हटा लेती हूँ। तो फाइनली भर ही गया है वो लोटा, थोड़ा सा बचा था। तो ये देखिए अब इसको हम रख देते हैं, और जो है देखते हैं दूसरा काम। सुबह 9 बजे तक तो नाश्ते का ही काम होता है, वही निपट पाता है। तो पानी मैंने पीने के लिए भी ले लिया। ये देखिए भुजिया मेरी बन रही है, तो आज भुजिया ही बनी है। तो इसको सिंपली जो है ना लहसुन और मिर्च मैंने डाल दिया है, और नमक मिर्च भी डाल दिया, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं है। भुजिया में तो वैसे भी नहीं मसाले ज़्यादा पड़ते, फ्राई आलू है तो फ्राई आलू तो सिंपल ही बनती है। तो ये देखिए तब तक ये सब्जी मेरी पकेगी और हम आटा वाटा लगा लेंगे, तब तक साहब की भी पूजा पाठ हो जाएगी, तो वो भी आ जाएंगे। फिर नाश्ता और चाय उनको एक साथ दिया जाएगा। और ये जो नाश्ता ज़्यादातर तो कुछ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ही खा लेते हैं, जैसे कुछ हम अटपटा सा नाश्ता करते हैं, कुछ ऑयली वगैरह रहता है तो। लेकिन रोटी वगैरह सिंपल सी रहती है ना, तो वो ले लेते हैं, एक आध रोटी खा लेते हैं। तो ठीक है, आज जो हमारे यहाँ रोटी सब्जी ही नाश्ते में बन रहा है, तो बेटी भी डब्बा ले जाएगी और इनका भी नाश्ता हो जाएगा। और एक जन उठेंगी तो वो नहीं खाएंगी, तो फिर बोली है कॉर्नफ्लेक्स दूध खाएंगी, तो उनका नाश्ता वो हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा रोटी नहीं, आटा तो सान के रख लूँगी दोपहर तक के लिए। हम लोग तो खाएंगे, मतलब यही खाती है गेहूँ का आटा, हम लोगों को तो कुछ अलग अलग ही आटा हमारा चलता है। तो जो खाने का मन होगा साहब का वो बनाएंगे। और जो है अभी तो गेहूं का आटा, सुबह सुबह गेहूं का आटा से ही ज़्यादातर बनता है पूड़ी पराठा रोटी, क्योंकि डब्बे का रहता है ना चक्कर, तो सिंपल ही बनता है। और हम थोड़ा सा इसमें जो है ना अच्छे से गून देते हैं, उसके बाद फिर जो है मेरा गूंध ही गया है मतलब आटा। और इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा घी लगा लिया था, वही साहब पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ना तो नरम रोटी बनेगी। घी को गर्म करने के लिए मैंने रखा था, आटा गूंथते समय मतलब गूंथ ली हूँ ना, तब थोड़ा सा लगा करके और मिला लूँगी, एक सार कर लूँगी, तो जो है ना आटा बड़ा नरम नरम हो जाता है।
और जैसे अपने पास टाइम नहीं होता ना सुबह का, जल्दबाजी अपन रेस्ट करने के लिए रख नहीं सकते, तुरंत बनाना है तो थोड़ा सा हाथ में घी लिया है, मतलब एक चम्मच, और बढ़िया आटे में मिला करके गूंद लिया, एकदम सॉफ्ट आटा हो जाता है और बढ़िया रोटी भी बढ़िया बनती है, पतली पतली टूटे फूटे की नहीं, बढ़िया अच्छे से जितना मर्जी पतला बेल लो फिर बिल जाती है। कई लोग दूध डाल के भी गूंदते हैं आटा, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा बनता है, लेकिन मैं तो नहीं गूंदती हूँ दूध। मेरे बच्चे तो कुछ देख लेना तो फिर वो खाना ही नहीं खाएंगे, बोले पता नहीं क्या क्या बनाती रहती हो, जो देखा है ना बचपन से वही चाहिए, वही चाहिए, कुछ चेंज नहीं चाहिए। तो कई बार मैं गोलमाल भी कर जाती हूँ ये सब कामों में, नहीं देख पाते तो जो मेरी मर्जी होती है मैं वैसा कर लेती हूँ, लेकिन सिंपली आज तो है जो है ना मैंने घी डाल करके ही बना लिया है। रिफाइंड नहीं डालती ज़्यादातर, मैं रिफाइंड का यूज़ कम ही करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एलर्जी है हमारे साहब को, तो सरसों तेल या घी दो काम होते हैं मेरे यहाँ। तो चलिए हम रोटी बना लेते हैं, जल्दी जल्दी आइए आप लोग, जिसको जिसको नाश्ता करना है मेरे घर आ जाइए, लेकिन सिंपल ही नाश्ता है, रोटी सब्जी और चाय ही मिलेगी, है ना। तो देखते हैं फिर अब जो है ना, उसके बाद फिर हम डस्टिंग वगैरह कर लेंगे, ये सब किचन वगैरह साफ़ करेंगे, फिर जो है दूसरा काम होगा। तो उसके बाद हम आज सोचे हैं कुछ और बनाएंगे, तो बाकी काम नहीं दिखाएंगे हम, सूट तो किए हैं लेकिन हमारा मन हो गया, साहब हमको बोल के गए हैं कि कुछ हमारे लिए बना दो, हमारे जो पड़ा है ना घर में चीज़ें उसका यूज़ कर लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो आज ना मैं आप लोगों को के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी मीठा की मतलब। हाँ आजकल ठंड भी चल रहा है ना, तो ठंड है तो ठंड में तो गुड़ मेवा मखाना ड्राई फ्रूट की भरमार होती है दोस्तों, सबको पसंद आता है और खाने का मन भी करता है। मेरे यहाँ 2 पैकेट मूंगफली 1 महीने से रखी है, लेकिन मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ के इत्मीनान से वो मूंगफली सर्दियों में खा सकूं। तो ये चक्कर ऐसा है ना, एक तो वीडियो का खाना पीना, फिर थोड़ा सा टाइम मिला तो चलो रील भी बनाएंगे, क्या करें, थोड़ा सा लालच है, लगे हैं तो थोड़ा ढंग से ही लग जाए ऐसा लगता है ना। तो कोशिश कर रही हूँ मैं बहुत अच्छा करूँ, लेकिन जितना हो पाता है दोस्तों उतना मैं करती हूँ, जब ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं है, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम भी। तो चाय मेरी बन गई है, मैंने उनको चार दे दिया सॉरी, हमारी मस्ती देखकर हमको ना हमारा हक लाने लगा हूँ। तो दोस्तों हम सोचे हम थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मुंह ऐसा फूला हुआ होता है ना, किसी से बात करने का मन नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, दिमाग में बहुत टेंशन होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मस्ती करूं चाय जानते हुए, लेकिन उसके चक्कर में मैं बोल वॉइस देने में गड़बड़ा गई। तो कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है, इसलिए मैंने इसको हटाया भी नहीं। देखिए सब चीज़ सब हर टाइम परफेक्ट नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ बदमाशी मस्ती भी होनी चाहिए बीच में, क्या ज़िंदगी का यही तो मज़ा है ना। तो देखिए मैं ज़्यादा रोटी नहीं, 5-6 दो बेटी ले जाएगी और मेरे साहब दो खाएंगे और 1 या 2 मैं खाऊंगी, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए रहता। तो चाय तो अभी बनाई थी लेकिन ठंडी, उनको हमारे यहाँ साहब को बिल्कुल गैस से उतरी चाय चाहिए रहती है, तो मैंने फिर से चढ़ा दिया थोड़ी सी अच्छे से और हो जाए। चाय तुरंत ही बनी है, मैंने अपने लिए छानी थी और तो मैंने बोला चलो ठीक है थोड़ा सा और गर्म ही कर देती हूँ। ये देखिए मेरी चाय भी बन गई है, नाश्ता भी बन गया है, ये लास्ट रोटी है मेरी, और मैं इनको नाश्ता कर देती हूँ, पूजा पाठ करके आ गए हैं, तो मैं बोलूँ चलो इनकी थाली लगा दूँ। इनका सबसे पहले ये पूजा करते हैं, तो अपना जो भी करते हैं जैसे भी, उसके बाद मेरा रहता है मैं अपना जब टाइम मिलता है नहा धो के फिर मैं भोग वोग लगाती हूँ, अच्छे से फूल वूल ले आती हूँ गार्डन से, फिर जैसा मन होता है मुझे अच्छे से वैसा करती हूँ। देखो जल प्रसाद ये सब तो भगवान को भी देना है ना, हम खाते हैं। तो ये देखिए मेरी थाली लग गई नाश्ते की, सिंपल थाली है दोस्तों, ऐसे ही बनता है, कभी कभी ऐसे ही भी बन जाता है। मेरी चाय ग्लास में रखी है तो मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद क्लीन करूँगी। देखिए मेरे बिट्टू का डब्बा भी पैक। दोस्तों मसाला गुड़ बनाने जा रहे हैं, मसाला गुड़ बनाने के लिए ये सब सामग्री, जितना भी मर्जी फ्रूट ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, जो जो आपको चाहिए जो जो पसंद हो। और ये गुड़ है, गुड़ को हम इसी में फोड़ लेंगे अच्छे से। और ये है मेरे पास सौंठ, तो है तिल, और ये है सौंफ, और चाहे तो पोस्टर दाना और भी चीज़ें ले सकते हैं जिसको जैसा पसंद है।
तो गुड़ को देखिए हम अच्छे से फोड़ लिए हैं, जिससे कि हम गरम करेंगे ना जब, तब जो है अच्छे से थोड़ा मतलब जल्दी मेल्ट हो जाएगा गुड़, नहीं तो पीस पीस में रहेगा ना तो थोड़ा टाइम लगेगा और जल जाएगा, ज़्यादा पक जाएगा। पका हुआ गुड़ है ही, हमें ज़्यादा पकाना नहीं बिना पानी वानी डाले, क्योंकि ऐसे ही हमें तो खाना है ना, गुड़ को मिक्स करना है ड्राई फ्रूट के साथ बस, तो बस वैसे ही इसलिए जो है फोड़ के रख लिए, जल्दी होगा। गैस चढ़ा दिए हैं हम, मतलब गैस जला दिए हैं, उसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और बस थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा हम जो है ना घी डालेंगे और हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, मतलब ज़्यादा लाल लाल भी नहीं करना है, बस रोस्ट कर लेंगे करारा हो जाए, कि ज़्यादा घी भी नहीं डालेंगे, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं, नहीं तो फिर नरम, बहुत नरम सॉफ्ट हो जाएगा गुड़ हमारा, गुड़ वैसे भी सॉफ्ट ही है। और इसमें थोड़ा सा जो है ना थाली में वो लगा लेते हैं, घी लगा के रख देती हूँ जब तक मेरा भूंज रहा है, क्योंकि जब गुड़ उतारेंगे ना तो हमारे पास टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी, ठंडा हो जाएगा तो फिर वो अच्छे से सेट भी नहीं होगा। अब गुड़ के पीस नहीं काटेंगे दोस्तों, ऐसे ही जमा देंगे, तो थोड़े टेढ़े मेढ़े से नहीं, ऐसे निकाल निकाल के गुड़ जो खाते हैं ढेले टाइप का, वैसे टाइप का हम बनाएंगे, तो वैसे जितना मन होगा ना जैसे गुड़ फोड़ के खाते हैं, तो उसके साथ में ड्राई फ्रूट भी रहेगा, तो गुड़ खाने वालों के लिए अच्छा हो जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ खा जाए, अलग से तो खाते नहीं ना कोई, तो वैसे भी कोई नहीं खाएंगे, हमारे साहब को पसंद है, उन्होंने वही गुड़ खाते हैं, तो इसीलिए हम बना दे रहे हैं। और इसी बहाने मेरे पास बहुत सारा ड्राई फ्रूट रखा था, तो मैंने कहा चलो इसका यूज़ कर लिया जाए, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा दिन हो जाता है तो ख़राब भी हो जाता है। अभी मैंने लड्डू भी बनाए थे अपने लिए, तो मैंने एक वीडियो डाली थी, बहुत अच्छी, बहुत ही हेल्पफुल है वो वीडियो, और शुगर वुगर के पेशेंट भी वो लड्डू मेरे खा सकते हैं, तो ज़रूर उस वीडियो को वॉच करिएगा, पीछे जा कर के देखिएगा मेरी वीडियो मैंने डाली है, शायद आप लोगों तक नहीं पहुंची है, क्योंकि जो भी हो अपना नया नया है ना हम अभी, तो दोस्तों उसको भी प्यार दीजिएगा जा कर के, और बहुत हेल्दी लड्डू हमने बनाया था और मैंने शेयर भी किया था, तो इसलिए मैंने लड्डू नहीं बनाऊंगी और ना पीस का बर्फी वगैरह भी बनाऊंगी वो मैं, अब जो है ना क्या संक्रांति आ रहा है तो गुड़ का कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बनेगा ही, मेरे को लड्डू भी बनाना है तो वो भी हम बनाएंगे अभी, लेकिन एक दो दिन हो जाए ना, अभी तो बहुत दिन है, ताज़ा रहना चाहिए, फिर जूठा हो मीठा ना हो जाए, तो ऐसे बातों बातों में देखिए सब चीज़ मैंने धीरे धीरे करके बहुत थोड़ा सा ही घी डाला है, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, मतलब सब कहने के लिए कह सकते हैं कि बिना गुड़ का ही है ये, तो मतलब बिना घी का ही है ये गुड़, और ज़्यादा घी फिर आजकल कोई खाता भी नहीं ना, तो ठीक है ये सही है, बढ़िया मेवा मेवा के साथ में अपना गुड़ उड़ भी चला जाएगा, सब चीज़ एक साथ ख़त्म भी हो जाएंगे, यूज़ भी हो जाएगा। तो बस हमारा हो गया है, सब भुन गया है, लास्ट ये भुन रहा है, और बहुत जल्दी बन जाता है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस ये सब भुनेंगे, गुड़ को पिघला लेंगे, बस उसमें डाल देना है। तो मेरा जो है ना ये काजू भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, लाइट ही रहेगा, ये देखिए मेरा काजू भी भून गया है ये अच्छे से, और किशमिश को तो बहुत ही कम करूँगी, क्योंकि वैसे भी फूल जाएगी वो गर्म गुड़ में पड़ेगी, तो इसलिए बहुत कम ही रोस्ट करूँगी, जलने ना पाए, जैसे बहुत जल्दी जल जाती है ना किशमिश, तो उसको जो है ना अच्छे से हल्के मतलब एकदम फ्लेम जो है ना आँच को बहुत कम कर देंगे गैस की, और उसके ऊपर मतलब अच्छे से हल्का हल्का ही भून लूँगी, और उसके बाद इसका हो जाएगा, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जल भी जाती है और फूल भी आती है बहुत जल्दी, तो ये गुड़ में अपने आप गर्माहट पा के फूल जाएगी। तो ये देखिए हमारा हो गया है, और चलिए इसमें तो सौंफ अपना तिल वगैरह डाल देते हैं, तिल बढ़िया अच्छे से चटक चटक के फूल जाएगी, मतलब उसमें से आवाज़ आएगी फूटने की।
मेरा तिल अच्छे से चटक चटक के फूट गया है, देखा अपनों को ने आवाज़ आ रही थी, और सौंफ भी अच्छे से ज़्यादा लाइट नहीं भूंजा, मतलब वो पता चल जाता है कि तिल हो गया है, तो फिर सौंफ भी साथ में हो गया था, डाल के ज़्यादा नहीं हो पाया। और उसके बाद मैंने गुड़ डाल दिया, इसमें पानी वगैरह नहीं डालूंगी, नहीं तो क्या होगा ना, थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाएगा, ड्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, कड़ा एकदम पत्थर सा गुड़ हो जाएगा, तो इसलिए ना ऐसे ही पिघलाना है हमको, और इसी में डाल देंगे हम लोग, क्योंकि हमें तो गुड़ खाना है, पट्टी बनानी नहीं है। तो ये देखिए मेरा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, और कम कर दी हूँ गैस को बिल्कुल, जिससे कि अच्छे से हो जाए, मतलब जले नहीं मेरा। और इसको ठोक ठोक के अच्छे से, जो थोड़ी बहुत है ना गुलियाँ, करछुल से ही ऐसे रगड़ रगड़ के फोड़ दूंगी। ये हो जाएगा अपने आप पे जो है ना, जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हीट पड़ेगी ना, जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो छोटे छोटे से बहुत कम ही हैं गुठलियाँ सी रहती, बाकी तो हमने फोड़ ही दिया था अच्छे से। ये देखिए हो गया ना अच्छे से, और ज़्यादा देर तक चलाते रहेंगे ना तो बस अब हम डालेंगे इसमें, नहीं तो कड़ा हो जाएगा मेरा गुड़, और वो जो है ना चीज़ें बिखर सी जाएंगी। तो बस जो है ना अब हमारा बिल्कुल तैयार है ये गुड़, ये देखिए एकदम कढ़ाई भी वो छोड़ दिया है, पूरा मेल्ट अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो बस इसमें हम सब सामान अपना डाल देंगे, जो जितनी चीज़ें हमने भूंजी हैं, और ये देखिए थोड़ा सा सौंठ इसी में डाल देती, क्योंकि गर्म है ना गुड़, अच्छे से गर्म है तो वो अपने आप ही भून जाएगा, थोड़ा सा एक दो बार ऐसे मिक्स कर देंगे, बस मिक्स ही करना है हमें। और ये जैसे ही ये सौंठ डाल दो ना, सौंठ के गुड़ के साथ में तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है ना, एकदम मस्त खुशबू आती है, घर में एक अलग सी खुशबू सुटैरा वाली आ जाती है। तो इसमें अपना मसाला भी डाल देंगे, जो मसाला हमने भुना था, तिल और सौंफ, खाने में बहुत अच्छा लगता है ये, मुंह में आता है, तो कभी बना करके ज़रूर देखिएगा। ठंड में ऐसे ना भी होगा ना तो चलो कटोरी में ही थोड़ा सा ले लिया, दूध ले लिया एक गिलास, तो कितना हेल्दी, बहुत हमारे शरीर को एकदम गर्माहट ला देगा, मतलब ये सारी चीज़ें में गर्म होता है ना, तो हमारी बॉडी में मतलब गर्माहट आ जाएगी, और स्वास्थ्य हेल्दी भी है इतना ज़्यादा, तो सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा फायदा मदद होगी, कि ठंड वंड नहीं लगेगी हम लोगों को, तो बस ठंड में ही ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, गर्मियों में तो सब चीज़ें मतलब ज़्यादा गुड़ उड़ भी नहीं खाता लोग गर्मी के मारे। तो ये देखिए मेरा बन गया है, और बस हम इसको पलट लेंगे, और बस हो गया हमारा, बन गया। थोड़ा सा गर्म है ना तो वही पकड़ने में थोड़ा सा हो रहा है, हम ये देखिए हमें कई बार हम भूल जाते हैं ना इसमें क्या लगा है, हम जब देखने लगते हैं ना बोलने लगते हैं, तो हमारा फ्लो फ्लो में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, एक कल देखिए मेरा बन गया ना, ये देखिए ऐसे करके हम आराम से निकल रहा है, चिपक नहीं रहा थाली में, देखिए ऐसे करके हम गुड़ जितना हमें खाना है ना अब वैसे पूरा निकल जाएगा, देखिए हम खोल के दिखा रहे हैं, देखिए पूरा ढीला हो गया, छोड़ दिया है थाली को, तो बस ऐसे ही पीस पीस करके रख लेंगे, ऐसे काटेंगे नहीं, काटने बर्फी वाला आकार नहीं देंगे, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट बड़ा बड़ा काटा है ना, ये देखिए सिर्फ मिक्स किया है। तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम लोग।